साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश के हाईवेज पर 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर तक बृहद रूप से आयोजन किए जाएंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी 2024 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों के लिए 1,500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय 1,000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1,150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। इस हेतु आगामी वर्ष 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है। हम सभी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधी आशंकाओं से भी भलीभांति परिचित हैं। श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्राप्त हो, इस दृष्टि से मैं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूँ। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है, किंतु इच्छा शक्ति की कमी की है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार आमजन, विशेषकर वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के से कार्य करेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रह जाए, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में यह भी अति आवश्यक है कि हमारे पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती से प्रदेश के कोने कोने में बसे हर परिवार तक संबल पहुंचा सके। इस दृष्टि से इन ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.5
6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7% करने की घोषणा करती। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन इंस्टीट्यूशंस को 316 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल अनुमानित ग्रांट 8,864 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को संबल देने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता बिना किसी पिलफरेज के पूर्ण पारदर्शिता से लाभार्थी परिवारों तक पहुंच सके, इस हेतु जनधन योजना के माध्यम से सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने के कार्य का शुभारंभ किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार के बजट के अंतर्गत JAM ट्रिनिटी अर्थात जनधन आधार मोबाइल को जोड़ते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा डिजिटल पेमेंट की मजबूत नींव संपूर्ण देश में रखी गई। इसी कड़ी में प्रदेश में हमारी गत सरकार ने इसे भामाशाह योजना के नाम से इम्प्लीमेंट किया तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर जनाधार कर दिया। हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा क्लाउड जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। असहाय एवं ज़रूरतमंद परिवारों का स्मार्ट सिस्टम सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति एवं बेनिफिट ट्रांसफर को त्वरित पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ रुपए से अधिक IT आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। आमजन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कार्मिकों को वेतन तथा GPF संबंधी सभी सूचनाएं विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों पर एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कॉन्फिड के माध्यम से दवाइयों की डोरस्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्सिको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली के लिए वहां की कानून व्यवस्था मजबूत होनी आवश्यक है। राजस्थान की संपूर्ण देश में शांति प्रिय प्रदेश के रूप में विशिष्ट पहचान रही थी। गत सरकार के कार्यकाल में लचर कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी के चलते नकल माफिया, बजरी माफिया आदि पनपने के साथ ही
अपराधियों के हौसले भी बुलंद हुए तथा प्रदेश की छवि भी खराब हुई। इससे आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही वर्ष 2020 से प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दुष्कर्म, बच्चों, SC ST के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि देखी गई। प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। नवसृजित 34 पुलिस थानों में परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएंगे। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में बालिका महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में, क्योंकि ये सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिका महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सम्मिलित करने की घोषणा भी करती हूँ। वर्ष 2008-09 में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा, DRI आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी। गत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2019 में बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया है। यह योजना सतत रूप से संचालित रहे तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे, इस दृष्टि से राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है। हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने के साथ ही प्रदेश के गौरवशाली विरासत को सुरक्षित करने तथा पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को संबल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, वेनेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी असीन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जलदेवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद जैसे असीम आस्था केंद्रों के सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन एवं वहाँ सुविधाएँ विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किंतु हकीकत में कोई भी कार्य नहीं किया।
अब मैं इन आस्था स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछड़ी का लोटा डीग, श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन करने तथा स्टेट आर्काइव्स बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। राजस्थान प्रदेश रणबांकुरों की जननी के रूप में देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इस दृष्टि से मैं महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम की स्थापना के लिए DPR बनाए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजलडी जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है और यह सशक्तिकरण तेज आर्थिक प्रगति एवं शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही संभव है। हम राजस्थान प्रदेश को अमृतकाल खंड के अंत तक वर्ष 2047 तक देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख के अनुसार आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आमजन के जीवन स्तर को उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रोसीजरल सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। वैट एमनेस्टी, अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10-20% जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी, स्टैम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित है जो इस प्रकार है। टैक्स एमनेस्टी, नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर दय पेनल्टी ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर दय पेनल्टी ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। ई रवन्ना एमनेस्टी, खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज ओवरलोडिंग अतिभरण के प्रकरणों में
कंपाउंडिंग राशि में 96% तक छूट प्रदान की जाएगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स एमनेस्टी, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर एक वर्ष तक स्क्रैप करवाए जाने वाले एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का स्क्रैप किया जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय पेनल्टी ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एनर्जी एमनेस्टी, 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 बाय मंथली किश्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं पेनल्टी राशि माफ की जाएगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी कर आमजन को और अधिक सुविधाएं प्राप्त करवाने की दृष्टि से पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही आवश्यक सभी सूचनाएं एवं जीआईएस आधारित डीएलसी स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है। दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के कार्य को गति देने के लिए मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाइन ऐप विकसित करते हुए क्वालिफाइड मौका निरीक्षकों को इम्पैनल करने की कार्रवाई की जाएगी। भौतिक स्टैम्प पत्रों के स्थान पर स्टैम्प ड्यूटी के ऑनलाइन माध्यमों यथा ई ग्रास एवं राज स्टैम्प को बढ़ावा दिया जाएगा तथा रिफंड की प्रक्रिया को भी सरल व ऑटोमेट किया जाएगा। आमजन के साथ ही निवेशकों को अपनी परियोजना संबंधी पंजीयन कार्य के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े, इस दृष्टि से टोल फ्री हेल्पलाइन के साथ ही सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से 24/7 कार्य करने वाले आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न शुल्कों की दरों के डिमिस्टिफिकेशन की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप से रिवाइज कर रैशनलाइज किया जाएगा। स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धांत की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इस दृष्टि से प्रदेश में ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम तथा जन आधार वॉलेट को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जाएगा। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ई लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी